नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पार्ट 2 यानी कि 2.0 शुरू हो चुका है और लगभग एक महीने हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हुए। ऐसे में तमाम तरीके की कार्यशैली उनकी देख रहे हैं, जिस तरह से वो कार्य करते हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरह से उनकी कार्यशैली हमेशा से ही लोगों के सामने रही है, जैसे कि बुलडोज़र जिस तरह से उनका हमेशा से ही आइकॉनिक रहा है, उसके साथ साथ निलंबन करने की प्रक्रिया भी हम लगातार देख रहे हैं। उन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने एक टारगेट रखा हुआ है और वो टारगेट है कि 100 दिन में जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम तरीके की जो समस्याएं थी उसको लेकर 100 दिन के अंदर सारी जो समस्याएं उनको कंट्रोल करना है, सब पर नियंत्रण पाना है, उन सब के बीच एक और सिस्टम जो है लागू हो गया है, जिसके दिशा निर्देश और जिस पर ठप्पा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया है, और वो है इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी क्या है, पहले मैं आपको बता दें कि इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम है कि जहाँ पर अगर रोड में जिस तरह से पे दुर्घटना होती है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, सड़क दुर्घटनाएं तमाम सारी हमारे सामने आती हैं, ऐसे में जो एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, जो आसपास के अस्पताल हैं उस पर हम मरीज को लेकर जल्दी नहीं जा पाते हैं और जल्दी उनको उपचार नहीं मिल पाता है, जिससे कई तरह की समस्याएँ आती हैं, जैसे कि मरीज की छोटी सी ही चोट लगने से मौत हो जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो स्कीम है ये पहली बार उत्तर प्रदेश में लॉन्च होने जा रही है। और ये क्या है, इसमें ये होगा कि यदि कहीं भी दुर्घटना होगी वहाँ पर ऐप के ज़रिए, मतलब कि मोबाइल ऐप के ज़रिए, हम आसपास के जो अस्पताल हैं उनको जान सकते हैं, आसपास के अस्पताल जो है उनका निरीक्षण कर सकते हैं और मरीज़ को जल्द से जल्द इलाज करवा सकते हैं। यह बेहद ही अच्छा पहल है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो ब्रजेश पाठक हैं और साथ ही साथ डिप्टी CM भी हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, लगातार स्वास्थ्य मंत्री आगे बढ़ रहे हैं और अपनी कार्यशैली को बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार हम उनका अस्पतालों में जिस तरह से वो निरीक्षण करते हैं, छापेमारी कर देते हैं, अचानक से जाके निरीक्षण कर देते हैं अस्पतालों में, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और शायद जिस तरह से उनकी जो कंट्रोलिंग है 100 दिन के अंदर एक ट्रेलर के रूप में जो समस्याएं हैं उन सबको कंट्रोल करना है, ये दिख रहा है उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से 100 दिन के अंदर जो समस्याएं उनको पटरी पर लाना है और आने वाले 5 साल उसी तरह से चलाने हैं। उनके साथ साथ दूसरी तस्वीर जो हम देखते हैं वो विपक्ष की तस्वीर होती है। विपक्ष में जहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरे जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है, तो वहीं पर जो एक और नाम सामने आता है वो आता है BSP सुप्रीमो मायावती का। मायावती लगातार हार के बाद समीक्षा कर रही है, क्योंकि लंबे समय से जो उनका जो ग्राफ गिरता जा रहा है उसकी समीक्षा तो कर ली है कि भाई देखिए, जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है उनको गुमराह करने की कोशिश की है, उस उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुक रहा है, और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जो मुसलमान है वो BSP की तरफ था और BSP ने एक तरीके की साठगांठ रखी है BJP की तरफ, मायावती ने सारे वोट बैंक करा दिए, तमाम तरीके की बातें सामने आती है। क्योंकि जब परिणाम विपरीत होते हैं तो समस्याएं और बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो लोग सामने रखते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि अब मायावती सुर्खियों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बयान दिया है, और क्या कुछ कहा है पहले तो ये हम आपको बता दें। सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए UP का CM बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव में UP के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ UP में BSP की अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे, और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कह डाला है कि देखिए, मुझे राष्ट्रपति
बनने की कोई आशा नहीं है, मतलब कोई तमन्ना नहीं है। मैं राष्ट्रपति बनने के सपने नहीं देखती हूँ, मैं सपने देखती हूँ सीएम बनने के, पीएम बनने के। और उसके साथ साथ जो विपक्ष में बैठे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर तंज कस दिया है। अखिलेश यादव से कहा, देखिए उनकी जो हालत है बहुत ख़राब है और अखिलेश यादव जो है विदेश जाने की, मतलब भागने की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो ये जो रायता फैला हुआ है इन सबको समेट के विदेश चले जाएंगे अखिलेश यादव। इस तरीके के उनके बयान है। ये वही सुप्रीमो मायावती हैं जिन्होंने गठबंधन करके, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। और क्योंकि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, ये हमेशा से ही लगातार सामने आता रहा है। जो संभावनाएँ हैं वो किस तरह से सामने आती हैं ये बड़ी बात होती है। क्योंकि एक तरफ जहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली को पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ा रही है और जिस तरह से काम करती है उसी तरह से काम कर रही है, उसके साथ साथ एक और चीज़ सामने आती है कि समाजवादी पार्टी में जो खटर पटर देखने को मिल रही है लगातार, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का इस तरह से बेरुखे अंदाज में सामने आना, उसके बाद आजम खान का भी जो है रुख बदल जाना, क्योंकि जेल में जिस तरह से उनके लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है कि इनसे मिले और उनसे नहीं मिले, उनसे मिले इनसे नहीं मिले, तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, ये चर्चाएँ आपके सामने हैं। उसके साथ साथ क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है उपचुनाव, क्योंकि आजमगढ़ की सीट खाली हो गई है अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद, तो आजमगढ़ का जो सीट है वो खाली हो जाती है। ऐसे में उपचुनाव के दौरान तमाम जो दिग्गज हैं वो दावे ठोक रहे हैं, कहीं निरहुआ दावे ठोक रहा है, कहीं ओवैसी दावे ठोक रहे हैं, तो कहीं यादव परिवार से कौन आगे बढ़ता है वो भी देखने वाली बात होगी। उन सभी के साथ साथ एक और तस्वीर जो सामने आती है वो आती है नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की, तमाम तरीके से घिरे हुए हैं, कहीं खुद की पार्टी के लोग इस्तीफे दे रहे हैं, कहीं जो साथ वाले हैं वो बेरुखी दिखा रहे हैं, तो कहीं अपने ही जो है दगाबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अखिलेश यादव हैं दबाव में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उनका नज़रिया रहा है 2022 में, जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीतने की कोशिश की, जो जिस तरह से दावा ठोकने की कोशिश की वो बेहद महत्वपूर्ण था। और उसके बाद क्योंकि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं, विधायक बनकर पहुंचे हैं और नेता प्रतिपक्ष की मजबूत भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ट्वीट कर रहे हैं, कभी बिजली कटौती को लेकर, कभी महंगाई को लेकर, कभी बेरोजगारी को लेकर। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा अजान बनाम हनुमान चालीसा तूल पकड़ा हुआ था, लंबे समय से तूल पकड़ रहा था उसमें कई समय से, हालांकि जब जो शुरुआत हुई थी तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी टिप्पणी उपड़ी नहीं की थी, कुछ कहा वहा नहीं था, लेकिन अब जो है उन्होंने एक टूक दो टूक बात कर दी है कि भाई देखिए अपने अपनी जगह पर लाउडस्पीकर चलाइए, जो सुनना है वो सुनिए, लेकिन किसी को परेशान मत कीजिए, किसी को सुनाइए, चाहे वो अजान चलाइए, चाहे हनुमान चालीसा चलाइए, चाहे आरती चलाइए, चाहे भजन चलाइए, जो भी चलाइए अपने परिसर के अंदर चलाइए, अगर बाहर निकला तो कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ लाउडस्पीकर जिस तरह से लगाए जाते थे उसको भी हटाने की प्रक्रिया चल रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तनाव बेहद बढ़ जाता है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र जो ये आंधी उठी है कि जिस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी, तो उत्तर प्रदेश में भी उसकी झलक देखने को मिली है। तो योगी आदित्यनाथ ने पहले ही टाइट कर दिया है कि भाई जो करना है अपने आप करिए, अपने आप को सुकून देना चाहिए, बाकी इधर उधर ज़्यादा नहीं सुनना है। क्योंकि लगातार जो कार्यशैली हम देख भी रहे हैं, तमाम तरीके के जगह पर तमाम तरीके से लाउडस्पीकर हटाए भी जा चुके हैं और ये प्रक्रिया भी लगातार जारी है। उन सब के बीच एक और चीज़ जो सामने आती है वो आती है कोरोना। कोरोना लगातार फिर से तूल पकड़ रहा है, कोरोना लगातार कोरोना की लहर जो है चल रही है और इसकी चपेट में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहले से ही स्वास्थ्य विभाग को टाइट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में स्थिति सभी ने देखी उसके लिए पहले से ही तैयार होना ये बेहद ज़रूरी है। और आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो उसकी कोशिश भी कर रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग जो डिप्टी सीएम के हाथों में, ऐसे में बृजेश पाठक भी लगातार छापेमारी करके अस्पतालों का जायजा तो ले ही रहे हैं, साथ में निरीक्षण भी कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि कोरोना की लहर, कोरोना जिस तरह से आने वाला है और आ जाएगा, ऐसी सुर्खियाँ सुनाई दे रही हैं, ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं, ऐसे में जनता किस तरह से सरकार की बात सुनती है और आने वाले समय में कोरोना क्या पूरी तरीके से चपेट में आ सकता है उत्तर प्रदेश या फिर पूरा देश, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।